मोदी जी डरे हुए नहीं हैं, केजरीवाल ने गलती किया, गलती करने के कारण केजरीवाल जेल गए। अपनी गलती की उस गलती को एहसास करें वो। हाँ, मोदी जी किसी को नहीं ना भेज रहे हैं ना किसी को कह रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी गलती से जेल जा रहे हैं। कुर्सी टकमाई हुई है, कुर्सी खड़ी है, कुर्सी खड़ी है। देखिए, केजरीवाल को भी बंद कर दिया आज। केजरीवाल की गलती थी, कोई फ्री में देता है क्या शराब? महिलाओं से पूछिए, उनके आदमी को जब फ्री में शराब मिलेगा, फ्री में पैसा मिलेगा, तो महिलाएं क्या करेंगी? उनके आदमी को बिगाड़ रहे हैं ना, घर में वो आए हुए घुस के पूछे लोग फ्री में शराब, तो उनको जूता चप्पल से पीटा जाएगा। अरे, एक के संग एक पौवा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, बढ़िया योजना नहीं थी दिल्ली में? पिए ना, पौवा पिए, पेटी पिए, सब करके घूमे ना। काहे दूसरे के पति को खराब कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 के चुनाव को लेकर लगातार जनता की क्या राय है, हेडलाइंस इंडिया की टीम शहर शहर से लेकर गांव तक आपको जनता की राय दिखा रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं फूलपुर लोकसभा के एक सनौती गाँव में। हालांकि ये पूरा गाँव 99% यादव समुदाय का है, लेकिन जनता इस बार क्या इंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन को की बार सत्ता में देखना चाहती है, या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बनाएगी? और दो बार से मोदी के कामकाज कैसे रहे, सीधा जनता से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? संजय यादव। यादव जी, ये बताइए क्या नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव है 2024 का, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, किसको बनाएंगे पीएम? नरेंद्र मोदी को मैं प्रधानमंत्री तिवारा बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को? हाँ। क्या नाम बताया आपने? नरेंद्र मोदी जी को मैं तिवारा प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? संजय यादव। यादव जी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं आज जनता देख रही है, समाज देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। कहने का मतलब, एक बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं, लेकिन वैक्सीन से लेकर के, अनाज से लेकर के, और जो है सिलेंडर से लेकर के, शौचालय से लेकर के, आवास से लेकर, कितनी सुविधाएं मोदी जी ने दिया जनता को। आज मोदी जी ही रहेंगे तभी तो मिल पाएगा, तभी तो संभव है। किसान जो है सम्मान निधि, विधवा पेंशन। लेकिन अखिलेश यादव ने तो गठबंधन बनाया है, इंडी गठबंधन में। गठबंधन बना है, गठबंधन में सारे लोग खींचतान करेंगे, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं। अखिलेश यादव जी को बनाइए ना। हाँ, अभी बनने की जो ना क्षमता है नहीं उनकी। पहले प्रदेश संभालने वाला व्यक्ति, देश हमारा बहुत बड़ा है। हाँ, देश को संभालने के लिए क्षमता होनी चाहिए। हाँ, तो आप यादव समुदाय के हैं और अखिलेश यादव में आप नहीं देख रहे कि देश को संभाल पाएंगे? भाई, अभी नहीं संभाल पाएंगे, अभी उनकी क्षमता नहीं संभालने की, क्योंकि उसमें खींचाता नहीं होगा। सारे लोग जो गठबंधन में सब एक सीनियर नेता लगे, वो कहेंगे हम हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। अरे, मोदी जी डरे हुए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को भी कल जेल चले गए, कह रहे हैं मोदी जी सरकार डर गई, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब की बार जीतेंगे नहीं। केजरीवाल ने जो काम किए जनता जान रही है। केजरीवाल ने कोरोना काल में वहां के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों को, उन्होंने कहा कि मैं अब सुविधा नहीं दे पाऊंगा, आप अपने अपने जो है मुल्क को जाएं। तो केजरीवाल जो है, बताइए जो ना, वो क्या कर सकते हैं, उनके बस के क्या है देश के लिए? केजरीवाल ने बढ़िया काम नहीं करा, दिल्ली में एक के संग एक पौवा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री। अरे भैया, कारण ये है कि उन्होंने जो काम किया, क्या उन्होंने अपने जेब से किया? फिर भी वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उन्होंने जो है अपनी बहादुरी दिखाए, लेकिन गरीब जन क्या वो अपने जेब से दिए? हमारी जनता को चूस करके उन्होंने टाफी और लेबिन चूस देने का काम किया है। अरे बढ़िया योजना तो चलाई थी, शराब नीति। अरे शराब नीति चलाए, शराब घोटाले में चले गए वहाँ। शराब नीति चलाए होते, बढ़िया योजना, तो शराब घोटाले में हो जाते। अरे कह रहे अब की बार गई मोदी सरकार। अरे उनके कहने से क्या होता, जनता नहीं जाने देगी ना, नेता कहे ना, जनता नहीं जाने देगी, जनता जानती है। इंडी गठबंधन मजबूत है? कोई मजबूत नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये कल। हाँ, ये जो है कहने का मतलब, 4 जून को इनको दिखा देगी जनता। अरे यूपी में अखिलेश भैया कह रहे हैं 80 हराओ, भाजपा हटाओ। 80 नहीं, 78 मेरी है, 3 जो ना 2 में उनकी है, जो पूरे गठबंधन की। 2 में पूरा गठबंधन? पूरा गठबंधन 2 में है। हाँ, चाचा जी, क्या नाम है आपका? राम खेलावनी यादव। यादव जी, ये बताइए क्या लग रहा है 24 में, अब की बार किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? और तीसरी बार आ रहे हो, कुछ भी कहे गठबंधन, तीसरी बार फिर आ रहे हैं गठबंधन वाले आ रहे हैं एनडी गठबंधन, इंडिया एनडी।
यानी मोदी का गठबंधन वो तिबारा भी सरकार बनाने जा रही। मोदी का गठबंधन तीसरी बार कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ तब भाई देखिए लोकतंत्र है, सभी अपना अपना कुछ कहेगा, उनको स्वतंत्रता है गठबंधन अगले को भी बनाने के, लेकिन अभी तक हमारे जानकारी में, हमारा जहाँ तक अध्ययन है, मोदी सरकार कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है। तिबारा हाँ, ऐसा क्या काम किया मोदी सरकार? देखिए धारा 370 उठाया, जो बहुत चैलेंजिंग मुद्दा था, किसी की हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी कि कहा खून की नदियां बह जाएगी, एक कतरा भी नहीं बहा और धारा 370 हट गई। जहां पे कि हमारे सैनिक, हम डिफेंस से रिटायर्ड हैं, हमारे सैनिक पत्थर खाते थे और मार के भीतर में घुस जाते थे, अब भीतर दरवाज़ा तोड़ के उनको पकड़ लाएंगे, पत्थर खाना बंद, पढ़ना लिखना शुरू कर दिए, काम धंधा। फौजी हैं, डिफेंस में है? हाँ, डिफेंस से हम सिविल एम्प्लॉइज थे। सिविल एम्प्लॉइज थे हाँ। तो कभी बात होती होगी, चर्चा होती होगी फौजियों से कश्मीर में क्या होता था? वो बिल्कुल होती थी, जब हम रिटायर्ड होने के पहले ही, तो जब नवंबर 19 में हटाया गया था, मैं तो ऑफिस में थे, पक्ष विपक्ष जो भी समर्थन थे, सिविल एम्प्लॉइज और फौजी, सभी ने इस काम को लिए धन्यवाद दिया, बहुत खुशियाँ मनाया गया और मिठाइयाँ बांटी गई हमारे ऑफिस में। क्या होता था वहाँ पर कश्मीर में? कश्मीर में आतंकवाद को खुली छूट थी, फौजी को वो पत्थर खाए थप्पड़ मार के घुस जाते थे, फौजी आते थे जो वहाँ से ट्रांसफर को, उनके दर्द को जाने, हम लोग उनके लोग के बीच में हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मानना था, बहुत ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्तर का मुद्दा था। हाँ, आप मानते 370 हट गई तो जो पत्थरबाज थे, जो पत्थर मारने वाले थे, आज वो खत्म मामला? हाँ खत्म है, अब पत्थरबाजी नहीं होती। एक फौजी ने तो जब पत्थर मारा, बोनट पे बांध लिया गाड़ी पे, काम मारो, अब मारो। अब देखिए कितना कश्मीर भी, उसके बाद से कितने कश्मीर पर्यटन गए, अब पर्यटन वहाँ का मुख्य आय का स्रोत है। लेकिन इंडी गठबंधन पे आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग, ममता दीदी है। अभी शाम को न्यूज देख रहे थे और तेजस्वी और राहुल में सीटों के लेके दिखा रहा है वेंटिलेटर पे हैं, वो अपने अहम ईगो में खुद ही टकराए रहते हैं अपने अपने प्रदेश में, तो क्या भरोसा करे जनता बताइए। तो लेकिन अखिलेश यादव को देख लो आप, अखिलेश यादव अभी प्रदेश स्तर के नेता हैं भैया, प्रदेश स्तर के नेता, अपने प्रदेश में 80 सीटों पे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह तो रहे हैं यूपी से 80 हटा दो, हरा दो, भाजपा को हटा दो। कह रहे हैं तो 14 में भी कहा, 19 में भी कहा, क्या किए? 5 सीट दोनों बार, 14 में भी 19 में, 5 सीट से आगे तो नहीं बढ़ा पाए साहब। अच्छा हाँ बताइए, अखिलेश पर भी नहीं हो रहा? नहीं, अभी वो केंद्र के सरकार बनाने की स्थिति में लोग नहीं है, जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते रहे, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं, पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात हम नहीं बता रहे हैं, जो मैं अध्ययन करता हूँ अभी इस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं। अच्छा हाँ, भाई साहब क्या नाम है? रतन यादव बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, क्या बात है, नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ। अच्छा ये बताओ, इंडी गठबंधन अब की बार प्रधानमंत्री बनाएगा किसी को क्या, मोदी तीसरी बार? अब इसको हम कैसे कर दें भैया कि इंडिया गठबंधन बनेगी, इंडी गठबंधन बनेगा? हाँ, हम लोग तो कोनो मीडिया तो है नहीं, सर्वे कर रहे हैं, मोबाइल में देखते हैं, कोई मोदी बड़काई कर रहा है, कोई इंडिया गठबंधन की बड़काई कर रहा है। तो हर दिल क्या, अपन दिल क्या है, अपनी तो आप सर्वे चल रहा है, अभी तो हम लोग सोच समझ रहे हैं। हाँ, तो दो बार से मोदी को देखा कि मोदी में क्या नजर आया, दो बार से तो प्रधानमंत्री थे, मोदी में नजर ये आया कि मोदी देश के लिए काम ठीक कर रहे हैं और कुछ कुछ कमियां सब में होती हैं जी। तो कुछ कमियां मोदी में भी है, जैसे कि आप केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए आप सरकार इस समस्या भी आई डर दिखा रही है, ये भी गलत है। हम मोदी के खिलाफ में नहीं है, मगर केजरीवाल ने क्या किया था? से अब कुछ भी किया हो, अब चुनाव है, क्या क्या किया है केजरीवाल सरकार ने? अब कुछ तो घोटाला उटाला बता रहे हैं कि घोटाला कुछ, मकान में अगर घोटाला हो जाएगा, तुम्हारे घर में घोटाला हो जाएगा तो पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, जब घोटाला होगा। क्या नाराजगी हो गई? नहीं तो चुनाव मोदी थोड़ी भेज, नहीं चुनाव के बाद में सब देखो, जब चुनाव मुड़े पाया है। हाँ बताइए, मोदी 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 केजरीवाल को गिरफ्तार करवा रहे हैं? गिरफ्तार करवाए, अगर ये गलत ना होते तो कोर्ट इनको छूट देती थी, कोर्ट इनको भेज देती, कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला, नहीं स्टे मिला, क्योंकि ऐसा कुछ फाइल में था
और अपना बयान भी नहीं दे रहे हैं, अपनी सफाई भी देने नहीं जा रहे। नौ नौ बार मोदी, देखिए भैया ने बताया मोदी डरे हुए हैं, केजरीवाल को भी अब जेल भिजवा दिया। मोदी जी डरे हुए नहीं हैं, केजरीवाल ने गलती किया, गलती करने के कारण केजरीवाल जेल गए। अपनी गलती की उस गलती को एहसास करें वो। हाँ मोदी जी किसी को नहीं ना भेज रहे हैं ना किसी को कह रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी गलती से जेल जा रहे हैं। हाँ क्या गलती की थी केजरीवाल ने, कुछ बताएं आपको? शराब घोटाला उनका है जो ना, शराब घोटाला है क्या है का तो हम नहीं जानते। एक के संग एक पौवा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, ये दिल्ली में योजना चली थी। कभी गए हो दिल्ली? नहीं कभी नहीं गए। दरुआ पीते हो? नहीं। कभी कभी तो? नहीं नहीं। शादी ब्याह में? नहीं नहीं। नहीं पीते हो? नहीं। तभी तो तुमको पता नहीं है। क्या थी योजना बता दीजिए जरा। योजना ये थी वहाँ दिल्ली की शराब जो है, शराब उन्होंने फ्री कर दिया, पानी कहन फ्री है उसका, इसका मतलब थोड़ी है, इसका मतलब वो अपने जेब से देना ही नहीं, सरकार के ही चुना कर केंद्र शासित प्रदेश होने, सरकार होने के नाते ये अपनी वाहवाही दिखा रहे थे। लेकिन उसमें जो इन्होंने जो करते गए करते गए, बढ़िया योजना चलाई थी, पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, सब तो बढ़िया, सब फ्री। क्या उनके बाप के जेब का था फ्री? फ्री फ्री से तो बर्बाद हो रहा है भैया, फ्री से देश बर्बाद हो रहा है, फ्री से गल्ला से फ्री फ्री के रेवड़ी सब बांट बांट के देश बड़ी नाराजगी हो गई, पौवा से नाराजगी नहीं हुई, सब चीज से नाराजगी है। यही तो सिस्टम सरकार का खराब है ना, सब सरकार जनता को लुभा रही है, बना रही है सब सरकार। हाँ कोई गल्ला दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई क्या जरूरी है, इनको सर्विस दो, नौकरी दो, धंधा पर लगाओ, कहीं जाए 5 किलो 7 किलो रेवड़ी पानी, ये सब क्या है, ये क्या है? अब बिजनेस मिले, कोई कहीं धंधा मिले, आदमी करे कमाए। कौन करेगा ये सब काम? कौन करेगा? सरकार करेगी और कौन करेगा? इसी सरकार तो चली रही है मोदी की। अब 24 में चुनाव है, चुनोगे किसको? चुनोगे अब चुनना है जिसको, उसको तो चुनना ही पड़ेगा। अरे किसको चुनोगे अब? किसमें तो कुछ आदे ऐसे, किसको चुनना है अभी कुछ नहीं कन्फर्म है। हम तो अपने मन से ही कह रहे हैं भैया, कभी हम सोच रहे हैं कि किसको। चलिए एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ मोदी है, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपकी बात, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल यादव है आप भी? हाँ। अच्छा लेकिन यादव तो कह रहे कहीं ना कहीं अखिलेश भैया के साथ होने चाहिए थे, इंडी गठबंधन को समर्थन करना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी में हर जाल लगे हैं, कौनो एक पार्टी में एक जाल नहीं लगे हैं। तो इतना विश्वास मोदी पर क्यों हुआ? मोदी तो अभी 2 बार से ही तो आए हैं, समाजवादी पार्टी कितने सालों से है देखिए। ठीक है देखो, जिसका इच्छा है जहाँ जो पार्टी में उसमें रहता है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। एक भाई कहूँ रहता है, एक भाई कहूँ रहता है। तो आपको मोदी पर विश्वास है? हाँ। मोदी की गारंटी चलेगी? हाँ। चलिए महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। अच्छा एक बात बताइए, किसकी गारंटी पर विश्वास है और किस पर विश्वास है, और महिला हो अब की बार क्या चाहती हो, कौन प्रधानमंत्री बने? जिस उद्देश्य से हम देख रहे हैं कि 10 साल भी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहे, आगे भी वही हो प्रधानमंत्री। क्योंकि आगे क्यों? क्योंकि उनकी देखरेख में महिलाएं आज बहुत ही सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई छेड़खानी नहीं है। तो पहले क्या उत्तर प्रदेश में दिक्कत हुआ करती थी क्या? पहले तो बहुत ही दिक्कत होती, कोई भी इंसान महिलाएं जाती रहती थी, पीछे से कोई सीटी बजा रहा है, कोई छेड़ हीच रहा है दुपट्टा, लेकिन आज के समय में ये नहीं दिख रहा है। तो प्रीति यादव जी, कैसे बदलाव हुआ यूपी में? यूपी तो बड़ा कहा जाता था बाहुबलियों वाला क्षेत्र है, यहाँ तो बाहुबली का क्षेत्र तो आगे से ही रहा है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे ही कार्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को जानती हैं? हाँ अखिलेश जी को भी जानते हैं। राहुल जी को जानती हैं? हाँ अच्छी तरह जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जानती हैं? जानते हैं। ममता दीदी बंगाल वाली को जानती हैं? हाँ दीदी को भी जानते हैं। प्रियंका दीदी को जानती हैं? हाँ, सबको जानती हैं। सबको जानते हैं। तो इनमें से चुन लो कोई अच्छा नेता? जिनको चुनना था हम चुन चुके हैं, जिनकी सरकार 10 साल से है वे भी आगे ही रहेंगे। बहन जी को चुन लो, कुमारी मायावती जी। माया जी, मायावती जी का कहना ही बहुत बेमिसाल है, हाथी बनवा दिए, किस काम का हाथी है उनका, इतने पैसे आगे विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई में लगाई होती, कहीं नौकरी उनको दी होती, बेरोजगार तो ना घूमते होते। नौकरी तो मोदी से मांग रहे हैं लोग। मोदी जी देंगे नौकरी, हमें भी विश्वास है। मोदी पर विश्वास है? विश्वास है। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है? विश्वास है, विश्वास है। भैया पर नहीं कर पा रही हो विश्वास? नहीं, हम तो इतना विश्वास कर रहे हैं, 24 में हम नौकरी लेके रहेंगे।
24 में नौकरी लेके रहेंगे? हाँ लेके रहेंगे। हाँ कह रहे हैं जब 24 में मोदी आएंगे, जब तो मोदी तो गए, मोदी तो आएंगे ही, हम लिख के दे रहे हैं ना, मोदी आएंगे। अरे प्रीति यादव जी गए, मोदी सरकार, मोदी की सरकार आ रही है। कह रहे कुर्सी टकमाई हुई है, कुर्सी खड़ी है, कुर्सी खड़ी है। देखिए केजरीवाल को भी बंद कर दिया आज। केजरीवाल की गलती थी, कोई फ्री में देता है क्या शराब? महिलाओं से पूछिए, उनके आदमी को जब फ्री में शराब मिलेगा, फ्री में पैसा मिलेगा, तो महिलाएं क्या करेंगी? उनके आदमी को बिगाड़ रहे हैं ना, घर में वो आए हुए घुस के पूछे लो फ्री में शराब, तो उनको जूता चप्पल से पीटा जाएगा। अरे एक के संग एक पौवा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, बढ़िया योजना नहीं थी दिल्ली में? पिए ना पौवा, पिए पेटी, पिए सब करके घूमे ना, काहे दूसरे के पति को खराब कर रहे हैं? तो के लोग तो कह रहे हैं मोदी डर गए इसलिए हमको जेल भिजवा रहे हैं। मोदी डरे नहीं है, मोदी की कुर्सी रखी हुई है। कह रहे कुर्सी तो हिला देंगे, राहुल गांधी हिलाएंगे, अरविंद केजरीवाल हिलाएंगे, ममता दीदी हिलाएंगे, अखिलेश भैया हिलाएंगे, सब पकड़ लेंगे कुर्सी मोदी को। बोलने वाले बहुत हैं लेकिन मोदी के आगे सब पीछे हैं। मोदी के आगे सब पीछे हैं, सब पीछे हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। लाएंगे मोदी को ही, लाएंगे मोदी को डंके की चोट पर, डंके की चोट पर। विश्वास नहीं है किसी पर भी, किसी नेते पे विश्वास नहीं है, नहीं। इंडी गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं, होंगे अपने अपने के लिए सभी होते हैं, लेकिन जिस पे विश्वास किया जाता है वही आते हैं। महिला सुरक्षा हो पा रही है क्या? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी चल रही है। क्या हो रहा है अब जो महिलाओं को छेड़ता है उसके साथ क्या हो रहा है आजकल? बुलडोजर कंटाप कान पे लगा के तुरंत जेल के अंदर चलो। क्या हो रहा है जो छेड़ता है आजकल, छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो अगले चौराहे पे काउंटर, तुरंत पुलिस को फोन करो, तुरंत प्रशासन आपके सामने। लेकिन कह रहे योगी जी बुलडोजर भेज देते हैं। बुलडोजर जब सड़क पे घर बना है तो बुलडोजर भेजा ही जाएगा। यानी अगर गलती की है तो बुलडोजर चलना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन कुछ नेता तो नाराज है योगी के बुलडोजर से। हाँ नेता तो नाराज होंगे ही, नाराज नहीं होंगे तो उनकी सरकार कैसे थोड़ा से चकमकाएगी। चाहिए मोदी आपको, मोदी ही चाहिए, पक्की बात है, पक्की बात है। मोहर लगा रही है, मोहर लगा दिए, लगा दिए, पक्की बात, पक्की बात। मन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। कुछ लोग आएंगे कहेंगे तुम तो प्रीति यादव हो, तो अखिलेश भैया को समर्थन करो। कहने वाले कहते रहे, जो मेरे मन में है मैंने बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? प्रीति यादव। आपका भी प्रीति यादव? दोनों प्रीति प्रीति। अरे भैया ये कैसे हो गया गांव में दोनों प्रीति प्रीति? किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? आप हमको बताइए, हम मोदी को बनाए कि अखिलेश को बनाए कि राहुल गांधी को बनाए? हमने मोदी कोर्ट दे दिया, हमारे घर का नाली का निर्माण रोक दिया गया क्योंकि हम बीजेपी में जुड़ गए। अच्छा, कौन निर्माण रोक दिया आपके घर? यहाँ के जो लोग हैं, जो जो ठेकेदार है, उसने हमसे कहा कि अगर आप टेर्रा के हमसे बात करती हैं, अगर समझ लीजिए मैं जनता के नाम पर यहाँ पर, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि भैया हमारे घर की नाली आप नहीं निर्माण कर रहे हैं, बताइए हमारा पानी कैसे गया। उसने कहा मैं जात के नाम पर यहाँ तक कर दे रहा हूँ। तो आप बताइए, पहले मोदी से पूछिए, अखिलेश को बुलाइए। कौन ठेकेदार है जो नाली नहीं बना रहा? अभी उससे बात करेंगे, तो उसको बुलाइए, हम बात करेंगे। ठेकेदार अभी उसको, अभी उसका काम भी देखेंगे, अभी उसकी रिपोर्ट भी चलाएंगे यहाँ से। उसको बुला, उसने हमसे ठेकेदार, ठेकेदार का भी जीएम ने यहाँ तक नाली बनाने के लिए कहा है, 1000 रुपया दीजिए तो फिर बताइए। तो बताइए महिलाएं कौन सी? ठेकेदार से तो अभी बात करते हैं, लेकिन ये बताइए सरकार कैसी चल रही है, मोदी को क्यों? सरकार तो हमको बताइए कि महिलाएं कहाँ सेफ है। जब ठेकेदार के पास जाओ तो कहता है समाजवादी जनता के पास जाओ, अगर समाजवादी पार्टी ठेकेदार से तो हम अभी बात करते हैं, रुकिए जरा, बीजेपी के पास जाओ तो हम लोग जाए किसके पास? आपकी नाली बनेगी ये सरकार का काम हो रहा है, कोई ठेकेदार अपने घर से नहीं बना रहा है। तो आप ठेकेदार को बुलाइए, हमारे बुलाएंगे ठेकेदार को। अभी देखिए ठेकेदार की भी अगर गुंडागर्दी चलेगी तो उसको भी बंद करेंगे। हमारा कोई भी, हमारी इच्छा है, देखिए कोई जनता के ऊपर कोई दबाव नहीं, हमारी इच्छा, हम जिसको वोट देना, जिसको वोट दे आपका, हमारा, हम जिसमें सेफ्टी चाहते हैं हम वही जनता को चुनाव देंगे, उसी को हम नेता। कहां मिल रही है सुरक्षा? सुरक्षा हमको देखिए मोदी से भी मिली, अखिलेश से मिली, कमियां सब में होती हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, लेकिन मोदी से सुना ये सुरक्षा मिली कि सड़क का अच्छे से निर्माण हुआ, महिलाएं सेफ हुई, जो राम मंदिर का इतने दिन से चल रहा था विवाद वो भी सुलझ गया, आगे भी। और मोदी ने 2-3-4 काम गलत किया। पहला काम तो पहले कुछ फायदा मिला, फायदा हमने बताया गैस सिलेंडर मोदी से। पहली बात तो मोदी शराब बंद करा दे,
पहली बात तो वो शराब बंद करा दे, तब हम जाने कि मोदी अच्छा काम। दिल्ली वाले में, दिल्ली में तो एक नेता जी कैसे बोतल फ्री दे रहे थे। हमारे घर में कोई शराब नहीं पीता, न मेरा देवर पीता है न मेरा आदमी पीता है। हमारे घर में न मेरा देवर शराब पीता है न मेरा आदमी पीता है, लेकिन अच्छे खासे घर को बर्बाद कर दिया है। शराब बंद होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, बिल्कुल बताइए। मोदी बनाएंगे, लेकिन मोदी शराब बंद कराए, क्योंकि मैंने भविष्य में ऐसे इंसान को देखा जो आज से 50 साल पहले शराब नहीं पिया, लेकिन अब उसको लत लग गई, वो अपना घर बर्बाद। शराब घोटाले में ही अरविंद केजरीवाल साहब ईडी सीबीआई के सिकंजे में है। और देखिए, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर खड़ी महिलाएं प्रीति यादव जी कह रही हैं कि मोदी सरकार से भी अपील है वो शराब बंद करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो इनबी गठबंधन में थी, वो कहीं ना कहीं उनके नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले में ही ईडी उनसे सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन महिलाएं नाराज हैं, मोदी से भी अपील कर रही है नौकरी चाहिए, नौकरी नौकरी जो योग्य है उसे नौकरी मिल रही है। तो अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, किसी को बनाओ इनबी गठबंधन में, क्यों बनाए भाई? कारण बनाओगे क्या? चुनाव अपने जेब से ले आकर के किसी को रख देंगे? जेब से तो रख देंगे। सरकार बदलेगी, मोदी जाएंगे तो कोई अच्छा नेता आएगा? इतनी जनता को रखना सबके लिए टेढ़ी खीर है। ये कहने को कुछ भी कहे, आश्वासन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते। अच्छा। अगर करने की क्षमता है, शक्ति है, नरेंद्र मोदी के अंदर है। मोदी चाहिए, बस पक्की बात है। अच्छा, देखिए जनता की अपनी राय है 24 का चुनाव, और 24 के चुनाव में आखिरकार ये पूरी तरीके से यादव समुदाय का गांव है, और जनता आपकी बार 24 में किसको चुनेगी? हालांकि 24 के चुनाव में जनता किस पर अपनी बटन दबाएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन उससे पहले जनता की सटीक राय आपको सुना रहा हूँ, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, फूलपुर लोकसभा, प्रयागराज से।